नमस्कार, स्वागत है आप सभी दोस्तों का एजेबी इंडिया में। दोस्तों, ईपीपीएससी स्टाफनल से जुड़ी रीट 12/6/17 की हियरिंग 17 सितंबर को थी। क्या 17 सितंबर को इस रीट पर हियरिंग हुई या नहीं? अगर नहीं तो किस कारण से नहीं हुई? इन्हीं बातों पर आधारित है यह वीडियो। दोस्तों, रीट 12/6/17 की हियरिंग कोर्ट नंबर 34, बेंच आईडी 5858, न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान, क्रमांक 3140, एडिशनल अनलिस्टेड लिस्ट में थी 17 सितंबर को। रीट 12/6/17 एकल है, संयुक्त नहीं। 12/6/17 की करंट स्टेटस 18/9/2021 के अनुसार आप देखेंगे तो स्टेज ऑफ केस फॉर ऑर्डर है। नेक्स्ट हियरिंग इसकी लिस्टेड है 27 सितंबर को। लिस्टिंग हिस्ट्री के अनुसार लास्ट लिस्टिंग डेट 17 सितंबर थी तथा लास्ट शॉर्ट ऑर्डर में PO मेंशन किया गया है। दोस्तों, जब PO या LO मेंशन है तो इसका मतलब है कि निर्धारित डेट को हियरिंग नहीं हुई है। LO का रीजन तो फिक्स है कि समय के अभाव के कारण, किंतु PO का कोई एक कारण नहीं है, इसके कई कारण हो सकते हैं। जज भी, वकील भी, केस से जुड़ी फाइल व दस्तावेज या अन्य दूसरे भौतिक कारण। PO अर्थात पास ओवर, मतलब केस को इस दिन अथवा इस दिन से मामले को स्थगित करना। दोस्तों, 12/6/17 को 17 सितंबर को सीधे PO कर दिया गया। इसका प्रमुख कारण था अधिवक्ताओं का कार्य से विरत रहना। 17 सितंबर को जज तो आए किंतु अधिवक्ता नहीं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद के आह्वान पर 16 सितंबर को भोजनावकाश के बाद और 17 सितंबर को वकीलों ने न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया था, जिस कारण 17 को रीट 12/6/17 पर हियरिंग नहीं हुई तथा पास ओवर करना पड़ा। दोस्तों, पूर्व में रीट 12/0/11 पर भी PO हुआ था वकीलों के हड़ताल के कारण। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के नाम हाईकोर्ट में जज के लिए प्रस्तावित करने पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन विरोध कर रहा है। कारण, हाईकोर्ट इलाहाबाद के बार के सदस्यों को छोड़कर दूसरी बार के अधिवक्ताओं को नियुक्त किया जा रहा है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधाकांत ओझा के अनुसार हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद द्वारा दिनांक 16 मार्च 2022 और 23 अगस्त 2022 को मुख्य न्यायमूर्ति को भेजे गए प्रस्ताव में इस बात का अनुरोध किया गया था कि हाईकोर्ट इलाहाबाद में मात्र इलाहाबाद और उसकी लखनऊ खंडपीठ में वकालत कर रहे अधिवक्ता गण को ही बतौर न्यायमूर्ति नियुक्त किया जाए, किंतु हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद के प्रस्ताव को दरकिनार कर उच्चतम न्यायालय के 4 अधिवक्ताओं को कॉलेजियम द्वारा न्यायमूर्ति नियुक्ति के लिए प्रस्तावित किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों, कॉलेजियम के इसी प्रस्ताव का पुरजोर विरोध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद कर रहा है। अगर विरोध के रूप में अधिवक्ताओं द्वारा आगे हड़ताल होती है तो इसका प्रभाव सीधे आगे की रीटों की हियरिंग पर पड़ेगा। दोस्तों, इस चैनल पर सभी प्रमुख अपडेट व महत्वपूर्ण जानकारियां पूरी विश्वसनीयता के साथ आपको मिलती हैं। आपके सभी कमेंट्स, क्वेरी के उचित जवाब दिए जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक व शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।